दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध जारी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलेगा। इसके लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और ट्रैफिक पुलिस की अहम भूमिका रहेगी। करीब 100 जगहों पर 2500 सिविल डिफेंस कर्मी इसके अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 18 तारीख से दिल्ली में इस बार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन ग्राउंड पे लॉन्च किया जाएगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ, सिविल डिफेंस के अधिकारियों और एसडीएम और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक उसकी तैयारी के लिए की गई। संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि 18 तारीख से दिल्ली के अंदर पुलिस के जो अलग अलग 13 जिले हैं उनमें 100 चौराहों पर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के माध्यम से ये कैंपेन किया जाएगा। इन 100 चौराहों पर 2500 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे, जिनमें 100 चौराहों में से 90 चौराहों पर 10-10 की संख्या होगी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की। 10 चौराहे ऐसे हैं जो मेजर चौराहे हैं, जैसे आईटीओ जैसा जो चौराहा है, इन 10 चौराहों पर 20-20 ये पर्यावरण मार्शल जो सिविल डिफेंस के हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। वो जो 10 मेजर चौराहे हैं उसमें चंदीराम अखाड़ा, आईटीओ चौक, राजघाट चौक, तिलक मार्ग, भगवान दास क्रॉसिंग, कड़कड़ी मोड़, 12 खम्बा टलस्टाय मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड क्रॉसिंग, मधुबन चौक नियर पुतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मोतीबाग रिंग रोड और पीरागढ़ी चौक, ये 10 चौक हैं जहां 20-20 वॉलंटियर्स होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।